बुधवार को रायबरेली की एसओजी टीम व सलोन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सलोन के आसपास के क्षेत्रों में हुई लूट का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर लूटे गए पैसे और तमंचों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लुटेरों को पकड़े जाने से 2 थाने क्षेत्रों की पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बने किरण हॉल में पुलिस की निगरानी में खड़े ये युवक कोई आम नहीं, बल्कि इन्होंने 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इन्होंने 2 जून को सलोन में एक दंपत्ति से 75,000 रुपए लूटे और 30 मई डी थाना क्षेत्र में देसी शराब के ठेके से 20,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े दोनों वारदात को अंजाम दिया करते थे और मौके से गायब हो गए। पुलिस इनकी तलाश करती रही, लेकिन ये उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे। आखिरकार एसओजी टीम व सलोन पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इन्हें धर दबोचा है। विगत दिनों 2 लूट की घटनाएं हुई थी, एक थाना डी में, जिसमें कि एक देसी शराब के ठेके से उसके गले को लूट लिया गया था, तथा दूसरी घटना सलोन से एक दंपत्ति जो बैंक से अपने 75,000 रुपये लेके अपने घर जा रहे थे, उसी बीच अपराधियों ने उनसे मारपीट करके पूरे पैसे छीन लिए थे। हमारी थाना पुलिस तथा एसओजी टीम ने मिलकर के दोनों घटनाओं का अनावरण किया है और पूरे केस में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 70,000 रुपये लूट के तथा 4 तमंचे, 2 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोनों घटनाओं में 10,000 रुपये का इनाम से पुरस्कृत किया है। सर, इन पर जो पकड़े गए हैं और भी कई घटनाओं में हाथ है? अभी ये सब योजना में देखा जा रहा है। ये नए अपराधी हैं, जिन पर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हम समाज को अपराध से इनसे वंचित किया जा सके। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो बाहर से भी लोग आए हैं, इससे कुछ पैसे की समस्या आ रही हो तो ये नए लड़के काम कर रहे हैं? ये भी हम अपनी योजना में इसको देखेंगे। फिलहाल कहाँ के हैं सर ये? कुछ हमारे क्षेत्र सलोन के हैं और कुछ बॉर्डरिंग जिला जो है प्रतापगढ़, वहाँ के रहने वाले हैं।